छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण तीन महीना में जो मैंने खोजा है वो ये है, आजमगढ़ के लोगों की मन बढ़ाई महीना में आजमगढ़ में हमारी हमके यह पता चलन कि ये लोग के पिछड़ापन का कारण का तो मन बढ़ाई कर आजमगढ़ को आगे बढ़ाना है, पहले मन बढ़ाई खत्म करना पड़ेगा। और मन बढ़ाई खत्म हुई कैसे? मन बढ़ाई खत्म के लिए का एक उपाय है कि या तो मन बढ़ के जेल के भीतर नहीं तो सीधा ऊपर। ज्यादा मन बढ़े तो ठेगुना पंचर मार के ठेगुनो में तोड़ दो। कहे कि अमन कमाई बचपने से अमन की यह सिखौला कि बेटा धन का बढ़ल ठीक है, मन का बढ़ल ना ठीक है। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अक्सर ऐसा बयान देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। इसी क्रम में जिले के मुबारकपुर विधानसभा स्थित रासेपुर गांव में शनिवार को सभा को संबोधित करते हुए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि तीन महीने के कार्यकाल में जो मैंने खोजा है कि आजमगढ़ के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण यह है कि यहाँ के लोगों की मन बढ़ाई। अगर आजमगढ़ को आगे बढ़ना है तो पहले मन बढ़ई को खत्म करना होगा। मन बढ़ई कैसे खत्म होगा? इसको खत्म करने का एक ही उपाय है कि या तो मनबढ़ को जेल के अंदर नहीं तो सीधा ऊपर। ज़्यादा मनबढ़ है तो घुटना पर मारकर घुटना तोड़ देंगे। अब देखिए ना, आजमगढ़ के इस सांसद का ये बयान अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। इसके पहले भी यादवों को लेकर किया गया बयान भी लोगों के गुस्से पर सिर चढ़कर बोल रहा था। ऐसे में सांसद निरहुआ के इसी बयान को लेकर रिहाई मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच के मामले में दिनेश लाल यादव निरहुआ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने बताया कि आजमगढ़ के सांसद निरहुआ का एक बयान वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि मुकदमा दर्ज होता है या विरोध का मंच बड़ा खड़ा होगा। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो, अमन कुमार की एक रिपोर्ट। लखीमपुर में किया था और उनके लड़के ने किसानों को थार गाड़ी से रौंद दिया, जिसमें चार किसान और एक पत्रकार की डेथ हुई। ये पूरा सवाल यहाँ पर हिंसा भड़काने का दिलेश लाल यादव निरहुआ कर रहे हैं। इस पर हमने कहा है कि उनके ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। ये आजमगढ़ की अस्मिता, पहचान, गरिमा, इस जिले के साथ एक घोर अपमान है। आजमगढ़ राहुल संस्कृतायन काफी आदमी सिबली नुमानी राम नरेश यादव चंजीत यादव की धरती है। जिस तरह से यहाँ पर यहाँ के लोगों को मनबढ़ बोला जा रहा है, वो पूरा क्षेत्र में को बोला जा रहा है, वो हमारी अस्मिता का सवाल है। और पूरा आजमगढ़ इस सवाल से जो है आतंकित है कि कब सरकार और सरकार के लोग आजमगढ़ के लोगों पर हमला न कर दें, उनके साथ किसी तरह की हिंसा न कर दें, कोई हत्या न कर दें। जिला प्रशासन कह रहा है कि 80% लोग सहमत हैं, किसान वहाँ लोग अनावश्यक प्रदर्शन कर रहे, इससे क्या चाहिए? देखिए, वो वहाँ का सवाल है, उस पर भी मैं बात साफ करूँ कि वहाँ पर अगर 80% लोग सहमत हैं तो वो धरना नहीं चलता। लेकिन सवाल आज हम इस बात को लेकर आए हैं यहाँ पर कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा वहाँ पर कि सरकारी ज़मीन पर लोग कब्जा किए हैं। दिनेश लाल निरहुआ ये बताएं कि हम अपनी ज़मीन को बताएंगे ना कि हमारी खसरा खतौनी क्या है, तुम क्या जानोगे हमारी ज़मीन को? और तुम बाहरी आदमी हो जो है, तुम गाजीपुर से आए हो, कभी कहते हो आजमगढ़ के लोगों को बेवकूफ़, कभी कहते हो मनगढ़। और आजमगढ़ का प्रशासन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। शनिवार को उन्होंने आजमगढ़ को पहले आतंकगढ़ कहा जाता था, आज अपने मंच से कह दिया आजमगढ़ मनबढ़। मैंने इसलिए कहा, मैं 3 महीने से आजमगढ़ में हूँ, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या आए तो कानून से पहले खुद ही निपटारा करने लगता है, खुद ही मारपीट करके कबार उबार घोड़ के फिर आते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप लोग क्यों लड़ते हो? ये भी आपके भाई हैं, आपके दयादे हैं, आपके चाचा हैं, आपके भतीजे हैं, आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अगर कहीं आपका कुछ विवाद फंस रहा है कि ये ज़मीन आपकी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो कानून है उसके लिए, आप कानून के पास आइए। कोई नहीं सुनता है, मेरे पास आइए, मैं बैठा हूँ आपके बीच में, मैं उनको आदेश करूँगा कि आप जाइए मौके पे, देखिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो हो जाएगा। और अब धीरे धीरे वो हो भी रहा है।
को लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ पे हम आए हैं कि दिनेश लाल निरहुआ के ऊपर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जिससे कि इस तरह की हेट स्पीच न दें। क्यों? क्योंकि लगातार जिस तरह किसान आंदोलन के लोग को लोग हेट स्पीच दे रहे हैं, और आज फिर उन्होंने शनिवार को हेट स्पीच दिया, आने वाले दिनों में कहीं लखीमपुर की तरह सरकार और सरकार के लोग, भाजपा के गुंडे किसानों और आजमगढ़ के लोगों पर कहीं हिंसा की कोई वारदात न कर दें, और कोई भी आजमगढ़ के व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रशासन और सरकार के गुंडे, भाजपा के गुंडे की हिंसा की वारदात करेंगे, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्योंकि इस तरह के मनभर सांसद को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज न करके उनको पाल रही है, पोस रही है, और इसके खिलाफ हम आजमगढ़ के लोग खड़े होंगे। और साफ कह रहे हैं आपके सामने कि अब आजमगढ़ के लोगों को मनभर बोल करके दिनेश लाल निरहुआ ने एक चुनौती दी है, और हम इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। हम बात साफ कर रहे हैं कि अब जो आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ की जो शूटिंग ईटिंग मीटिंग चल रही है ना, सब बंद होगी। अगर हमारी धरती को तुम छीनने का प्रयास करोगे तो हमारी धरती पे तुम्हारी शूटिंग ईटिंग मीटिंग नहीं होगी।